आईपीएल का 28वां मैच लखनऊ और कोलकाता के बीच खेला गया। कोलकाता ने इस मैच में टॉस जीतकर लखनऊ को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया। लखनऊ की ओर से क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ने ओपनिंग की शुरुआत करी। केएल राहुल ने इस मैच में 27 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 39 रन बनाए। केएल राहुल के बाद कोई भी अन्य बल्लेबाज ठीक से नहीं खेल सका। अंतिम ओवरों में निकल्स पूर्ण ने धमाकेदार बल्लेबाजी की। निकल्स पूर्ण ने 32 गेंदों में 4 छक्कों की मदद से 45 रन की पारी खेली और कोलकाता की ओर से इस मैच में स्टार्क ने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट झटके। लेकिन इसके बावजूद भी लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 161 रन बना दिए। आगे के मैच के बारे में बात करूं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको एक छोटे सी वीडियो के माध्यम से ही आईपीएल के पूरे मैच की जानकारी मिल सकती है और आपको सभी आईपीएल मैचों की जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको आईपीएल के सभी मैचों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। 162 रन के लक्ष्य अपेक्षा करने के लिए कोलकाता की ओर से फिन शार्ट और सुनील नारायण ने पारी की शुरुआत करी। फिन शार्ट की पारी ने इस मैच को एक तरफा कर दिया। फिन शार्ट ने 47 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 89 रन बनाए। फिन शार्ट के साथ साथ कप्तान सुरेश रैना ने भी 38 गेंदों में 38 रन की पारी खेली, जिनके चलते केकेआर की टीम ने यह मैच 8 विकेट से अपना नाम कर लिया। लखनऊ का कोई भी गेंदबाज केकेआर को नहीं रोक सका। सिर्फ मोहसिन खान ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट अपना नाम किए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और चैनल को शेयर करें।